नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का स्टे अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे बच्चों, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पारिभाषित शब्द पढ़ रहे थे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम उसके आगे के प्रोसेस को हम बताएंगे, और आज आगे कौन कौन सी पारिभाषित शब्द है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एकदम मैं आप लोगों को हर बार हर समय एक ही चीज़ समझाता हूँ बच्चों, कि जो भी पढ़ो एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऐसे टॉपिक पढ़ो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा पढ़ो, पर जो भी पढ़ो व्यवस्थित पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आज आगे के हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हमारा बच्चों नया क्वेश्चन है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, खरीदी के बारे में। आपके मन में बच्चों खरीदी शब्द का नाम सुनते हुए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, खरीदी। पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताओ बच्चों खरीदी किसे कहते हैं, हैं खरीदी क्या होता है? आपको पता है मैडम, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो पेंसिल खरीदने के लिए किसके पास जाओगे? दुकानदार के पास जाओगे, और उस दुकानदार के पास जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि मुझे पेंसिल दे दो। क्या करोगे? पेंसिल दे दो। किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, ये पेंसिल खरीदने जाओगे तो पेंसिल खरीदोगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? खरीदी। कोई भी चीज़ों को खरीदना वही तो क्या होता है, खरीदी ना। लेकिन बच्चों इसे हम अकाउंट की भाषा में कैसे लिखेंगे वो समझ लें। उसकी परिभाषा क्या लिखा हुआ है? व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और वह माल खरीदे, उसको हिसाबी पद्धति में हम खरीदी कहते हैं। मतलब व्यापारी जो है, जो व्यापारी होता है वो जिस भी चीज़ वस्तु का व्यापार करता है, अगर वह माल को खरीदता है उसे हम हिसाबी भाषा में क्या कहते हैं? खरीदी। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, अनाज के व्यापारी के द्वारा स्टेशनरी खरीदी की जाए, वह स्टेशनरी खर्च कहलाएगा। परंतु वह अनाज खरीदे तो उसे अनाज के लिए क्या कहेंगे? खरीदी, यानी क्रय कहा जाएगा। कोई कहे कि भाई अनाज की व्यापारी अगर स्टेशनरी को खरीदता है तो वो स्टेशनरी खर्च होगा बच्चों, उसे हम खरीदी नहीं कहेंगे। खरीदी किसे कहते हैं बच्चों? जो कोई राशन वगैरह खरीदेगा ना बड़ा, कोई अनाज खरीदेगा ना, उसे हम कायदे सर क्या कहेंगे? खरीदी कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते बच्चों हम यहाँ पर विक्री। विक्री मतलब होता है सेल, ठीक है। कैसे करोगे बच्चों? विक्री किसे कहते हैं? विक्री मतलब होता है बेचना, किसी वस्तु को बेचना, ठीक है। किसी भी वस्तु को अगर बेचते हो वो क्या कहलाएगा? विक्री। लेकिन इसे अकाउंट की भाषा में कैसे कहते हैं उसी समझ लो बच्चों। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और उस माल का विक्रय करे, तो उसे हिसाबी भाषा में हम क्या कहते हैं? विक्री कहते हैं। मतलब व्यापारी जिस चीज वस्तु का व्यापार करता हो, उस माल का अगर वो विक्रय करे तो उसे हिसाबी भाषा में हम विक्री कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, अनाज के व्यापारी के द्वारा अनाज बेचकर आवक खड़ी की जाए। नहीं समझी? समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पिताजी अनाज बेचते हैं, अनाज के व्यापारी, तो अनाज को बेचेंगे तो उसके बदले उनको क्या मिलेगी? आवक मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो वो क्या हुआ? कोई चीज़ बेचने पे उनको मिल रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? विक्री कहलाएगा। क्लियर हो गया विक्री का कॉन्सेप्ट भी? चलिए आगे बात करते बच्चों हम नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है बच्चों माल स्टॉक। माल स्टॉक क्या होता है समझाता हूँ बच्चों, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, उसे हम माल स्टॉक बताते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से बड़ा पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सीखना बड़ा, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आकर देखोगे बड़ा बहुत सारे पेन वगैरह, ठीक है, बहुत सारे स्केल वगैरह है, ठीक है। अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, मेरे पास हर चीज़ की यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसे अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो माल स्टॉक क्या होता है बड़ा?
पहले यहाँ पर बेसिक समझ लो बड़ा, पहले एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ बड़ा माल क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो बहुत सारे पेन हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेंसिल हैं, यहाँ पर स्केल वगैरह है, और यहाँ पर बच्चों दो कलर पेन है। और माल स्टॉक का मतलब होता है बच्चों, अब यहाँ पर परिभाषा आप समझ लेते हैं बच्चों, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्यापारी द्वारा व्यापार करने के हेतु सर जो माल खरीदा जाए उसमें से बचा हुआ माल को हम क्या कहते हैं, स्टॉक। बचे हुए माल को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, आप मार्केट में गए, इसको 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 बेच रहे हैं, ठीक है। उसमें से आपका ये दोनों बिक गया, चलो इसको साइड में रख दो, ये बिक गया इसे साइड में कर दो, आपका ये बिक गया पूरा बच्चों। तो क्या बच गया, दो पेंसिल बचा। तो ये जो दो पेंसिल बच गया ना बच्चों, यही क्या हो जाएगा, आपका माल स्टॉक हो जाएगा। क्लियर समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो बच्चों जरूर लाइक करना, ठीक है। चलिए, तो माल स्टॉक मतलब होता है बचा हुए माल को हम क्या कहते हैं, माल स्टॉक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, देनदार किसे कहते हैं। देनदार मतलब होता है डेटर्स। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चे, वीडियो में बने रहना। चलिए देनदार पहले परिभाषा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देनदार, व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार अथवा साख पर माल का विक्रय किया जाए उस ग्राहक को हम क्या कहेंगे, देनदार कहेंगे। अब इसे हम तुमको समझा कर बताएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए जैसे कि मान लो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो बड़ा, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है और ये छोटी सी दुकान चलाने वाले का नाम है बड़ा बच्चों सत्यम। क्या है, सत्यम। और ये बड़ा बहुत सारे कपड़े वगैरह इसके अंदर हैं दुकान के अंदर, वो सत्यम भाई कपड़े बेचते हैं, ठीक है। वो कपड़े के, सत्यम भाई कपड़े के व्यापारी हैं, ठीक है। अब मान लो बड़ा, एक यहाँ पर रोहित नाम का लड़का आया, एक रोहित नाम का यहाँ पर ग्राहक आया, ठीक है। और उसके पास पड़े हुए थे केस, रोकड़ पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये रोहित भाई हमारे दुकान पे आए, ठीक है, हमारे दुकान पे आए और कपड़ा लिया, ठीक है। यहाँ पर आए, वो कपड़ा ले लिए, ठीक है। और रोहित भाई ने हमको क्या कर दिया बड़ा, यहाँ पर हमको रोकड़ दे दिया। क्या किया, हमको रोकड़ पैसा चुका दिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों, एक जय नाम का, एक राज नाम का लड़का आया, एक राज नाम का लड़का आया, वो भी हमारे यहाँ आया, कपड़ा लिया, ठीक है, चलो इसने भी कपड़ा ले लिया। लेकिन इसने पैसा नहीं दिया, इसने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब इसने कौन सा व्यवहार किया होगा, इसने किया होगा उधार व्यवहार। कौन सा उधार, इसने उधार व्यवहार किया और इसने क्या किया था, रोकड़ किया था, ठीक है। तो मुझे बताओ, तो यहाँ पर तो उधार किसने किया, उधार राज ने किया, क्योंकि रोहित भाई आए, उन्होंने तुरंत पैसा दे दिया, मतलब रोहित भाई से कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर राज भाई ने पैसा नहीं दिया है, तो राज भाई पैसा नहीं दिया, तो सत्यम भाई के लिए राज कौन होगा, राज हो जाएगा, देनदार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, देनदार हो जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने मेरे पास से उधार माल क्या किया, खरीदा है, और सत्यम भाई ने क्या किया, राज भाई को उधार माल बेचा है। क्या किया है, उधार माल बेचा है, तो वो राज क्या हो जाएगा, सत्यम भाई के लिए देनदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, देनदार को बड़ा हम चालू संपत्ति में भी गिना जाता है, क्लियर। चलिए आगे बात करते बच्चों, ये सब एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं बच्चों। अब आते हैं लेनदार। लेनदार जो है बड़ा, वो देनदार का उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखा है, जिस व्यक्ति के पास से उधार माल खरीदा जाता है वह व्यक्ति धंधा के लिए क्या कहलाता है, लेनदार कहलाता है। कैसे, इसे भी हम टेक्निक के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे सत्यम भाई जो थे बड़ा, सत्यम भाई की एक छोटी सी दुकान थी,
वो कपड़े वगैरह बेचते थे बड़ा, ठीक है। अब सत्यम भाई को भी तो अगर मान लो दुकान पे कपड़े वपड़े खत्म हो जाएगा तो सत्यम भाई को भी तो माल का स्टॉक में लेकर आना पड़ेगा ना। तो सत्यम भाई जो थे बड़ा वो एक जन के दुकान पर गए, उसका नाम था करण। क्या नाम था? करण नाम था। क्या नाम था? करण। और उसने क्या किया, ये भी कपड़े का व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था। तो करण के पास से सत्यम भाई ने क्या किया, खरीद लिया। और सत्यम भाई ने इसको क्या कर दिया, रोकड़ पैसा दे दिया। फिर वापस से सत्यम भाई ने वापस से कपड़े खरीदा, ठीक है। और उसका नाम था जय, ठीक है। जय के पास से वापस से कपड़ा खरीदे, तो जय के पास से वापस से खरीदे, तो सत्यम भाई जब जय के पास से वापस से कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय सत्यम भाई जय को रोकड़ पैसा नहीं देते, तो किस में दे रहे हैं, मतलब उधार बेच रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उधार खरीद रहे हैं। तो यानी कि सत्यम भाई जय भाई के क्या हो गए, लेनदार हो गए। कि आज नहीं, और हमने उधार खरीदा और हमने जय भाई को प्रॉमिस किया कि 10 दिन के बाद या भविष्य में मैं आपका पैसा चुका दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ सत्यम भाई ने जय से क्या किया, उधार माल खरीदा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सत्यम भाई 10 दिन बाद इनको पैसे चुका देंगे। तो सत्यम भाई जय के लिए क्या बन जाएंगे, लेनदार बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, लेनदार बन जाएंगे। अब बताओ बच्चों, लेनदार का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक करो बच्चों, ठीक है। चलिए, लेनदार चालू दायित्व का भी क्या गिना जाता है बच्चों। आगे हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है बच्चों लेनी हुंडी। अब लेनी हुंडी क्या होता है उसे भी हम आपको यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं। जिसमें देखो ब्रह्म, लेनी हुंडी क्या होता है ध्यान से समझना, जिसमें हुंडी लिखने वाला भविष्य में निर्धारित तारीख को निश्चित रकम पाने की अधिकार रखता हो उसे लेनी हुंडी कहते हैं। अब लेनी हुंडी का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। आपको पहले देनदार के बारे में बताया था बच्चों, ये इसके बारे में, ठीक है, ऊपर वाले के बारे में ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर देनदार के बारे में बताया था बच्चों। तो लेनी हुंडी का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ एक तरीके का प्रमाण पत्र होता है बच्चों। जैसे मान लो सत्यम भाई ने राज भाई को क्या किया, तो उधार माल बेचा था ना, और राज भाई ने प्रॉमिस किया था 10 दिन बाद पैसा दे दूंगा। तो राज भाई ने 10 दिन में पैसा नहीं दिए, तो सत्यम भाई ने एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी लिख के राज भाई के पास भेजा। और वो जो चिट्ठी भेजा ना बड़ा, कि भाई राज भाई आपका 500 रुपया बाकी अभी तक तुमने हमको नहीं दिया है। तो हमने जो चिट्ठी लिखा ना बड़ा, वही चिट्ठी उनके लिए क्या बन जाएगा, लेनी हुंडी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, लेनी हुंडी, कि मैंने इनको चिट्ठी भेजा है तो वो मुझे 10 दिन में पैसे रिटर्न कर दो, तो वो क्या होगा, लेनी हुंडी, कि निश्चित रकम पर क्या करेगा, वो निश्चित तारीख पर वो मुझे मेरा पैसा वापस कर देगा, उसे हम कहेंगे लेनी हुंडी। तो लेनी हुंडी की परिभाषा भी बच्चों लिख लेना। चलिए आगे बात करते बच्चों हम, अगर मैं बात करूँ बच्चों लेनी हुंडी के कितने पक्षकार हैं, तो लेनी हुंडी के 2 पक्षकार हैं। एक है हुंडी लिखने वाला, और दूसरा कौन होता है, हुंडी स्वीकार करने वाला। तो बच्चों इसमें बताओ सत्यम भाई कौन होंगे, तो सत्यम भाई हुंडी लिखने वाले हुए, और स्वीकार करने वाला कौन होगा, राज भाई, ठीक है, राज भाई हुंडी को स्वीकार कर लेंगे। तो 2 पक्षकार हो गया ना, सत्यम भाई हुंडी लिखने वाले हो गए, राज भाई हुंडी को स्वीकार करने वाले हो गए, क्लियर। चलिए आगे बात करते बच्चों देनी हुंडी। देनी हुंडी किसे कहते हैं, लेनी हुंडी का उल्टा। देनी हुंडी, हुंडी स्वीकार करने वाला भविष्य में निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम चुकाने की जवाबदारी देता हो, स्वीकार करता हो, उसे हम देनी हुंडी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर बच्चों लेनदार मैंने पढ़ाया था आपको, अब यहाँ पर देखो बच्चों सत्यम भाई ने किससे उधार लिया था, जय भाई से क्या किया था, उधार लिया था। तो अब हुंडी लिखने वाला कौन होगा, हुंडी लिखने वाले होंगे अब जय। अब जय क्या करेंगे, मेरे ऊपर हुंडी लिखेंगे, मतलब सत्यम भाई के ऊपर हुंडी लिखेंगे, और सत्यम भाई क्या करेंगे, हुंडी को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस जय भाई क्या लिखेंगे, कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको हमारा पैसा चुका देना है, और मैं यहाँ से बोलूँगा ठीक है मैं आपका पैसा 10 दिन में चुका दूंगा। तो यहाँ पर भी 2 पक्षकार होते हैं, एक हुंडी लिखने वाला, एक हुंडी स्वीकार करने वाला।
तो जय भाई हुंडी लिखने वाले होंगे और सत्यम भाई हुंडी को स्वीकार करने वाले होंगे, तो हम 10 दिन में इनको पैसे चुका देंगे, वो हो जाएगा देनी हुंडी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए, आपको मैंने खरीदी पढ़ा दिया, बिक्री पढ़ा दिया, आपको मैंने बच्चों यहाँ पर माल स्टॉक पढ़ा दिया, देनदार पढ़ा दिया, लेनदार पढ़ा दिया, लेनी हुंडी पढ़ा दिया, आगे उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर देनी हुंडी पढ़ा दिया। ये सारे नोट्स आप अच्छे से लिख लो बच्चों, और इतना बच्चों आपको याद कर लेना रहेगा। ठीक है, कल के वीडियो में बच्चों, कल के लेक्चर में बच्चों मैं आपको लेना और देना के बारे में समझाऊंगा बच्चों, लागत क्या होता है, वाउचर क्या होता है, ठीक है, ये सारे बट्टा क्या होता है, व्यापारी बट्टा क्या होता है, रोकड़ बट्टा क्या होता है, इन सभी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।